सिद्ध साधक परिवार दुर्लभ तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नम प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, हम अपने इस चैनल में गुप्त और दुर्लभ साधनाएँ देते हैं, साथ ही साथ जानने यज्ञों पर बातों पर चर्चाएँ भी करते हैं। तो आज चर्चाओं के कड़ी में हम आपको एक उपाय देने वाले हैं। ये एक उपाय ही नहीं है, ये एक महा उपाय है। इसके प्रयोग करने से निर्धन भी धनवान बन सकता है। अगर कोई धन की तंगी हो या धन का अभाव से आप परेशान हो, तो इसको एक बार आप जरूर आजमा के देख ले, निश्चित ही इसका फल आपको फलीभूत होगा। पहले आप क्या करें, याद रहे किसी भी शुक्रवार के दिन, अलग दिन में नहीं होगा, किसी भी शुक्रवार के दिन आपको 3 पीपल के पत्ते लाने हैं, जो कि एकदम फ्रेश हो, कटे फटे नहीं हो, उसको लाएं। महालक्ष्मी जी का आपके घर में जो फोटो होगा या महालक्ष्मी का यंत्र होगा, अगर नहीं होगा तो आप हमसे प्राण प्रतिष्ठा युक्त महालक्ष्मी यंत्र या चित्र मंगवा के रखें। उनके सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं, लाल कपड़े के ऊपर 3 पत्तों को रख दें। 3 पत्तों को रखने के बाद जो पहला पत्ता है उसके ऊपर तेल का एक दीपक जला दें। दूसरा जो पत्ता है उसके ऊपर आप चावल का एक ढेरी बना दें, और एक जो रहेगा पत्ता आखिरी वाला उसके ऊपर एक 10 रुपये का सिक्का रख दें। फिर अपने गुरु पूजन करें। महालक्ष्मी जी का जैसे आपको भाव से पूजन आता है, अपने पूर्ण निष्ठा और भाव के समेत अपना मनोकामना बता के आपको महालक्ष्मी जी का पूजन करना है, धन की मांग करना है महालक्ष्मी जी से। फिर पूजन समाप्त होने के बाद दिया वैसे जलता रहेगा, और जो 10 रुपये का सिक्का था उसको एक लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी या गोदरेज के लक्कर में रख दें। जो चावल था बीज वाले ढेरी के चावल का था बीज वाले पत्ते के ऊपर, उसका खीर बना लें। खीर बना के बाहर किसी को भी एक बूंद भी खीर नहीं दे, अपने घर के ही सदस्य वो सारे खीर खा के समाप्त कर लें। ये एक बार कर लीजिए, तुरंत ही इसका लाभ मिलता है, तुरंत ही धन आगमन होता है, शुरू हो जाता है। ये एक बार आजमा के देख लें, जरूर आपको ये लाभ देगा, निश्चित है, क्योंकि ये एक उपाय नहीं, ये एक महा उपाय है। तो आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव।